हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और ये मेरा एक इंटीरियर साइड है। हम लोग रायपुर में विगत 8 वर्षों से प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन का वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा एक साइट है, ये मारुति इंफ्रा फेज 3 रायपुर में है, अमलेश्वर के पास सांकरा में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें हम पूरे वॉल को पैनलिंग किए हुए हैं 12 mm के प्लाईवुड शीट से, और साथ ही इसमें हाई क्वालिटी के लैमिनेट माइका लगे हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कट पीस है इसमें भी हम रोज गोल्ड का एक्रेलिक शीट है, और आप चाहे तो इसमें ग्लास भी लगा सकते हैं। हमने एक्रेलिक शीट को चॉइस किया है क्योंकि एक्रेलिक शीट जो होता है, यहाँ पे जो ऑनर है इनके, यहाँ छोटे किड्स भी हैं, बच्चे हैं, वो अगर इस पे किसी प्रकार का इंपैक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे क्रैक होने का चांसेस कम रहता है, इसलिए हम इस पे एक्रेलिक शीट यूज किए। तो एक्रेलिक शीट जो लगता है इसके लिए भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो माइका होता है इसको हम फेविकॉल या नॉर्मल फेविकॉल सिंथेटिक जो आता है, और फेविकॉल में हाइपर आता है, दोनों को यूज कर सकते हैं। बट जो एक्रेलिक शीट लगते हैं, इन एक्रेलिक शीट्स के लिए हम फेविकॉल का प्रो बॉन्ड यूज करते हैं। प्रो बॉन्ड इसकी मजबूती और डेंसिटी को और अच्छे से स्ट्रांगली उसको एडहेसिव करता है, चिपका के रखता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी पूरा एक सोफा है, ये जो सोफा है ये लगभग 8 सीटर सोफा है, इसमें भी कुशनिंग का वर्क होगा। कुशनिंग का वर्क अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग का पेंट वर्क और पुट्टी का जो घिसते हैं वो वाला वर्क अभी हमारा बचा हुआ है, और जब होगा तो इसका कुशनिंग हो जाएगा, इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके फाइनल फिनिशिंग का। अब आप देख रहे हैं ये हमारा जो मंदिर है, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये पूरा सागौन वुड से बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरा सागौन वुड से बना हुआ है। नीचे ही इसका प्लाई का वर्क है, नीचे प्लाई वर्क में आप देख सकते हैं उसमें भी हमने जो विनियर लुक वाला माइका है ये यूज किया है, बहुत ही सुंदर। ये मैट फिनिशिंग का ये हैंडल है, और देख सकते हैं ऊपर ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो ये पूजा के लिए जो स्पेस होता है इस स्पेस को भी बढ़ा देता है। जब हम पूजा करते हैं तो यहाँ पे जो कलश है, पूजा पाठ की पूरे जो सामान होते हैं इसको भी हम अच्छे से रख सकते हैं, और जब पूजा कर लेंगे तो हम इसको ऐसे स्मूथली अंदर कर सकते हैं। इसमें जो चैनल लगा है ये सब स्मूथ क्लोजिंग वाला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक और ड्रॉज है जिसका जो डेप्थ है यहाँ पे 5 इंचेस का डेप्थ है, 5 इंचेस है, तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत सारे सामान आ सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं। और लगेज स्पेस नीचे भी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा स्पेस है, मतलब आप पूजा संबंधित जितने भी बड़े किताब है, रामायण है, भगवत गीता है, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उसको भी रख सकते हैं। ये कंप्लीट सेटअप है, इसमें ये CNC कटिंग है, इसमें से पीछे लाइट भी लगेगा जो वार्म व्हाइट कलर का होता है, तो ये लाइट के साथ जब जलेगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और ऊपर में भी छोटे से चैंडेलियर लगाने के लिए भी हमने स्पेस देके रखा हुआ है, और ऊपर ये सागौन की और बीट है। तो ये जो कंप्लीट मंदिर सेटअप है ये अभी मॉडर्न हाउसेस में बहुत सुंदर लगता है। छोटे से एरिया में अगर आपको भी मंदिर ऐसे डिजाइन करना हो तो इसे आप देख सकते हैं, या फिर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर नीचे दिया जा रहा है। अब आप देखिए ये हमारा एक टीवी यूनिट, वॉल टीवी यूनिट है। इस यूनिट में ये जो फेस है जो अभी अभी अधूरा सा है, और यहाँ पे जो हो चुका है यहाँ पे लगेगा हाई क्वालिटी PVC लुअर्स, इस लुअर्स लुअर लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी मिरर फिनिशिंग का एक्रेलिक शीट लगा हुआ है। यहाँ पे होगा एक रॉयल टच का वॉल पेपर लगेगा। और ये जो ये बीच का आप स्पेस देख रहे हैं ये फ्यूचर में 55 इंचेस LED कैपेबल स्क्रीन के लिए स्पेस छोड़ा गया है। साथ ही आप नीचे देख सकते हैं ये वॉल हैंगिंग वाला जो टीवी यूनिट का ऊपर का ड्रॉ है, ड्रॉ में भी बहुत ही स्पेस है, देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छा डेप्थ के साथ बना है। ये जो डेप्थ है इसकी 12 इंचेस का है, ये जो डेप्थ है आपका 8 इंचेस का है, और काफी स्पेस है। दूसरी खासियत हमारे जो जितने भी फर्नीचर को आप देख सकते हैं जो हमारे कारपेंटर डिजाइन करके भी रखे हैं, उनको बताना भी नहीं पड़ता इसके बारे में। पूरा जमीन से आप देख सकते हैं हर चीज एलिवेटेड है, मतलब आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, पानी से धोइए, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। कंप्लीट आप देख सकते हैं हर चीज यहाँ से 3 इंच ऊंचाई पे है, ये तो 10 इंच ऊंचाई पे है, तो मतलब फ्लोर को भी आप, दिवाली आएगा, कोई फेस्टिवल आता है तो घर को धोएंगे, इसलिए भी इजी रहता है। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर प्रोफेशनली वर्क करवाते हैं, प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर से, प्रोफेशनल कारपेंटर से, तो आपका जो इंटीरियर वर्क होता है वो एकदम परफेक्शन के साथ होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट जो हमारे दोनों बेडरूम है इसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।